नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में कुछ समय पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आरएमपी डॉक्टर अपने बैग में या फिर अपनी क्लिनिक में कौन कौन सी इंजेक्शन रख सकते हैं उस वीडियो का आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ आर डॉक्टर्स के ऊपर कि आर डॉक्टर्स अपने बैग या फिर अपनी क्लिनिक में कौन कौन से टैबलेट में रख सकते हैं जिनका उनको हर टाइम यूज पड़ता रहता है कोई ना कोई उस टैबलेट को ले लेते हैं तो उस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अपने बैग में या फिर अपनी क्लिंग में आपको कौन कौन सी टैबलेट रख लेनी है जिसको आपको हमेशा के लिए आपको यूज उसका रहेगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप पूरा देखें और अगर चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टैबलेट आर डॉक्टर्स अपने पास रख सकते हैं तो टैबलेट में दोस्तों सबसे हम बात पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले टैबलेट हमारी आती है पैरासीटामो टैबलेट तो दोस्तों पैरासीटामोल टैबलेट आपको अपने बैग में रख लेनी है जब भी किसी को बुखार की समस्या हो तो उस कंडीशन में आप पैरासीिटामोल टैबलेट उनको आप दे सकते हो दूसरी टैबलेट हमारे दोस्तों यहाँ पर रहने वाली सिट्रीजिन टैबलेट अगर किसी को किसी प्रकार की भी एलर्जी हो जाती है तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को आप दे सकते हो एलर्जी कंडीशन कुछ भी हो सकती है खास खुजली हो सकती है जुकाम हो सकता है और या अन्य कोई भी समस्या हो सकती है सेट्रेजिन टैबलेट आपको यहाँ पर रख लेनी है उसके साथ में एक टैबलेट और होती है इसी की जो मिली जुली टैबलेट होती है उसका नाम होता है लियो साइट्रोजिन टैबलेट ये भी टैबलेट आपको अपने बैग में रख लेनी है क्योंकि सेट्रोजिन टैबलेट में काफ़ी बार नशा देखने को मिला है पेशेंट को लेने के बाद इसमें नींद आने लग जाती है तो साइट्रोजिन टैबलेट होती है इसमें सिडेशन कम होता है नींद आने कम चांस होते हैं तो ये टैबलेट आपको रख लेनी यह टैबलेट भी सेम ही काम करती है खुजली के अंदर ये काम आती है और अन्य एलर्जी के अंदर भी ये टैबलेट काम आती है तो ये भी टैबलेट आपको रख लेनी है उसके बाद अगली टैबलेट हमारे यहाँ पर डेक्सोना होने वाली है डेक्सोन टैबलेट एक प्रकार का एक सेटरॉइड टैबलेट होती है जो कॉमनली हर प्रकार की डिजीज में काम आती है कोई भी अगर डिजीज उठा के देख लो तो हर डिजीज में कोई ना कोई तो हर डिजीज़ में डेक्सोना टैबलेट का यूज होता ही होता है चाहे वो बुखार से ले लो या सर्दी जुकाम से ले लो या खांसी से ले लो या फिर एलर्जी से ले लो हर चीज़ में जो हर डिजीज़ में डेक्सोना टैबलेट का यूज होता ही रहता है अगली टैबलेट हमारे यहाँ पर बैटनीसोल्ट टैबलेट होने वाली है यह भी एक सेट्रॉइड टैबलेट होती है इसका भी काम डेक्सोना जैसा ही होता है सेम साल्ट की टैबलेट होती है सेम इसके अंदर डोज होती है तो आप दोस्तों ये टैबलेट भी अपने बैग में रख सकते हो उसके साथ अगली टैबलेट हमारे यहाँ पर मेफ्टोल स्पास्ट टैबलेट होने वाली है टैबलेट पेट दर्द के लिए काम आती है अगर किसी का पेट दर्द हो तो उस कंडीशन में आप टेबलेट आप दे सकते हो उसके बाद में एक टैबलेट और आती है ड्रोटावेरिन एसिड के अंदर डबल साल्ट के अंदर टैबलेट आती है यह टैबलेट भी पेट दर्द के लिए काम आती है लेकिन अगर किसी का मेफ, ए, मेटल टैबलेट देने के बाद पेट दर्द ना ठीक होता है, तो उस कंडीशन में आप ड्रोटावेन मैफेनिक एसिड की जो मिक्स साल्ट की टैबलेट होती है ये आप दे सकते हो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है पेट दर्द में काफ़ी सहायक रहती है उसके साथ में अगली टैबलेट और होती है इसी की सेम होती हुई है वो टैबलेट ड्रोटावेरिन प्लस एक्लोफिनैक इसके अंदर साल्ट होता है तो दोस्तों ये पेट दर्द के साथ साथ में अन्य और दर्दों में भी काम आती है जिस तरह किसी के अगर पेट पेडों में दर्द है तो उस कंडीशन में काम आती है किसी के लीवर में दर्द है तो उस कंडीशन में भी ये टैबलेट काम आती है उसके बाद में अगली जो कॉमनली टैबलेट है डिक्लोफिनैक पैरासीटामोल ये दर्द निवारक गोलियां होती है कोई भी किसी प्रकार का दर्द हो पेट दर्द को छोड़ के ये सभी दर्दों में काम आती है तो आप डिक्लोफिनैक आपके बैग या फिर आपको अपनी क्लिनिक में रख लेनी है उसके साथ में एक टैबलेट और होती है एक्लोफिनेैक पी इसके अंदर एक्लोफिनैक होता है प्लस में पैरासिटामोल होता है तो ये भी दर्द निवारक गोलियाँ होती है दर्द के साथ साथ में ये बुखार को भी ठीक कर देती है तो ये दोनों टैबलेट आपको अपने पास रख लेनी है अगली टैबलेट हमारे यहाँ पर डिक्लो एम होने वाली है इसके अंदर तीन साल्ट का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर जो पहला साल्ट होता है वो डिक्लोफिनाइक होता है सेकेंड साल्ट इसके अंदर क्लोराजोक्सा होता है और थर्ड साल्ट इसके अंदर पैरासीटामोल होता है तो ये जो तीन कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट होती है यह भी दर्द निवारक टेबलेट होती है लेकिन इस टैबलेट का यूज़ तब किया जाता है जब किसी को ज़्यादा दर्द हो मान लो अगर किसी का पाव में मोच आ गया किसी के हाथ में मोच आ गई तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है तो आपको एम की टैबलेट भी रख लेनी है देख लो आर नाम से टैबलेट आती है उसके साथ में तो एक टैबलेट और आती है एक्लो एम इसके अंदर सेम साल्ट होता है लेकिन एक्लोफिनैक इसके अंदर होता इसके अंदर होता है डिक्लोफिनैक इसके अंदर नहीं होता तो एक्लोफिनैक भी दर्द का ही इसके अंदर साल्ट होता है इसमें भी सेम ही रहता है क्लोराजोक्साजोन पैरासटामोल और एक्लोफिनैक होता है ये भी पाँव या हाथ वगैरह में मोज के लिए इस्तेमाल की जाती है अगली टैबलेट हमारी रेंटिडिन आने वाली है रेंटिडिन टैबलेट ये गैस की टैबलेट होती है अगर किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में आपको टैबलेट उनको दे देनी ये भी आपको टैबलेट अपने पास रखनी है उसके साथ में अगली टैबलेट होती है हमारी डी कैप्सूल होते हैं रेबी पैराजोल डी के नाम से आते हैं कॉम्बिनेशन में डोम पैरिडोन के नाम से आते हैं तो ये भी आपको अपने बैग में रख लेने ये भी गैस के लिए काम आते हैं गैस की जा किसी को प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में काम आते हैं इसके अंदर डोम पैरिडोन भी होता है तो ये उल्टी के लिए भी काम आता है तो ये भी आपको रख लेना है उसके साथ में अगली टैबलेट हमारी ओंडास्टोन होने वाली है ओडास्टोन टेबलेट स्पेशली उल्टी के लिए होती है उल्टी की समस्या को ये ठीक करती है तो आपको ओडास्टो अपने पास रख लेनी है उसके साथ में अगले टैबलेट हमारे यहाँ पास स्टेमटेम डी नाम से टेबलेट आने वाली है इसके टेबलेट चक्करों में काम आती है अगर किसी को चक्कर वगैरह आते हैं तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को दे सकते हो तो चक्कर की प्रॉब्लम उनकी ठीक हो जाएगी अगली टेबलेट हमारे यहाँ पर लोब्रामाइड होने वाली है अगर किसी को दस्त की प्रॉब्लम है तो आप लोब्रामाइड टैबलेट उनको दे सकते हो ये भी आपको अपने पास लोब्रामाइड टेबलेट रखनी है अगली टैबलेट हमारे यहाँ पर डुल्को फ्लैक्स होने वाली है यह के लिए काम अगर किसी को कब्ज की तोड़ने का नाम से किसी का बढ़ा हुआ है अगर किसी का बीपी एक से ऊपर है तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को दे सकते हो यह बीपी को नॉर्मल करने वाली दवाई होती है तो हो। यह दवाइयां तो भी आपको रखनी है अपने क्लिनिक में या फिर अपने बैग में यह भी आपके काम आएगी अगली टैबलेट हमारे यहाँ पर लाइसिक्स होने वाली है लैसिक्स टैबलेट ये टैबलेट ये भी टैबलेट बीपी के लिए होती है अगर किसी का बीपी पी डेढ़ सौ से ऊपर चला गया तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को दे सकते हो पेशाब की इसमें जुलाब लगेंगे जिससे उनका बी पी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा हो तो वो नॉर्मल किसी स्थिति में आ जाएगा तो उसके लिए आपको उसका यूज़ करना है अगर किसी का पेशाब नहीं आता पेशाब रुक रुक के आता है या फिर किसी का पेशाब अगर बंद हो गया तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को दे सकते हो ये पेशाब कि नली को खोल देती इससे पेशाब आसान से पस हो जाता तो आपको लास्टिक्स टैबलेट यहाँ पर आपको रख लेनी है उसके साथ साथ में कुछ मल्टीविटामिन भी आपको रखने हैं जिस तरह अगर किसी को कमजोरी वगैरह की दिक्कत है तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन टैबलेट या फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल आपको अपने बैग या अपने क्लिनिक में रख लेने हैं क्योंकि उसका भी काफ़ी यूज़ होता है तो अगली टैबलेट हमारे यहाँ पर अब एंटीबायोटिक की हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक में हम क्या क्या टैबलेट अपने बैग या अपने क्लिनिक में रख सकते हैं तो एंटीबायोटिक में सबसे पहले जो मैं प्रीफर करूँगा टैबलेट वो होती है सेफ्ट्रान डी एस के नाम से इसके अंदर डबल सेफ्ट्रान होती है ये टैबलेट है जो काफ़ी जो पॉपुलर टैबलेट है बहुत टाइम से इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है लेकिन आजकल इस टैबलेट का यूज़ कम ही करते हैं क्योंकि और काफ़ी बाज़ार में एंटीबायोटिक आ चुके हैं लेकिन मैं जो इस टैबलेट को काफ़ी प्रेफर करता हूँ तो आपको सेफ्ट्रान की कुछ ट्रीपे अपने बैग में रख लेनी ये टैबलेट है जो मुख्यतः किसी को अगर फोड़ा फुंसी की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छी टैबलेट मानी गई है तो फोड़ा फुंसी में आप सेफ्टान टैबलेट आप दे सकते हो उसके साथ में एंटीबायोटिक तौर पर एक टैबलेट और आती है सीफेक्म नाम से तो सीफेक्जिम या फिर सीफोडोक्सिम दो प्रकार की ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स आती है अगर किसी को बुखार की समस्या तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक टैबलेट को दिया जाता है तो आप सीफेक्जिम या सीफोडोक्सिम कोई सी भी आप दे सकते हो दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो अगली हमारी यहाँ पर एंटीबायोटिक टैबलेट अमोक्सी सी रहने वाली है यह टैबलेट भी एंटीबायोटिक टैबलेट होती है अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो जाता है चोट लग जाती है या कोई भी अदर इन्फेक्शन हो जाता तो उस कंडीशन में टैबलेट को दिया जाता है तो आपको ओमोक्सी सी छः सौ पच्चीस एम जी टैबलेट आपको अपने पास आपको रख लेनी है तो दोस्तों ये सारी की सारी जो टैबलेट है ये सारी की सारी आपको अपने क्लिनिक आपको अपने बैग में रख लेनी है जिससे आपको जब भी जरूरत पड़े तो आपके पास ही टैबलेट होनी चाहिए ताकि आप पेशेंट को आप टैबलेट दे सकते हो कॉमनली इन्हीं बट डिजीज़ के जो पेशेंट आते हैं ज़्यादा कर तो आपको ये टैबलेट टेबलेट तो ये टैबलेट हमेशा आपको अपने पास ही रखनी है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगी चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों